इस वीडियो में आपको ग्राइप वाटर के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, साथ ही इसमें आपको ग्राइप वाटर क्या है और कैसे बनता है, ग्राइप वाटर के फायदे, ग्राइप वाटर शिशु को कैसे दे, ग्राइप वाटर कब देना चाहिए और ग्राइप वाटर के नुकसान के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखें। शिशु के पेट फूलने, कोलिक, अपच, हिचकी आने और दांत निकलने में होने वाले दर्द को कम करने के लिए ग्राइप वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में ग्राइप वाटर की विभिन्न किस्में उपलब्ध हैं और उनमें विभिन्न जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, लेकिन अधिकतर ग्राइप वाटर में निम्न जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है, मुलेठी, सौंफ, अदरक, दालचीनी आदि। अब जानते हैं कि बच्चे के लिए कैसे फायदेमंद है ग्राइप वाटर। एक, गैस से छुटकारा। नवजात में गैस की समस्या अक्सर देखने को मिलती है, जिससे बच्चे को काफी दिक्कत से गुजरना पड़ता है। ऐसे में ग्राइप वाटर फायदेमंद रहता है, इससे गैस की समस्या दूर होती है, लेकिन शिशु के डर देने से पहले डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह लें। दो, हिचकी से राहत। नवजात शिशु में हिचकी की समस्या भी रहती है। लोगों का मानना है कि ज्यादा हिचकी आने से पेट का आकार बढ़ जाता है। हिचकी को रोकने के लिए शिशु को ग्राइप वाटर दिया जाता है। तीन, डिहाइड्रेशन से बचाव। शिशु शुरुआत के 6 महीने अपनी माँ के दूध पर निर्भर होता है, इसलिए अधिक गर्मी के दौरान उनका मुंह और गला सूखने लगता है, जिस दौरान उन्हें ग्राइप वाटर देने से पानी की कमी को रोका जा सकता है। चार, दांत दर्द से छुटकारा। शिशु के नए दांत निकलते हैं तब उन्हें काफी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, इस दौरान शिशु को दस्त भी लग जाते हैं, ऐसे में उसे ग्राइप वाटर देना चाहिए, जो काफी हद तक दांत दर्द को दूर रखता है। अब बात करते हैं कि शिशु को कब और कितनी मात्रा दें। इसको 2 सप्ताह से अधिक आयु के शिशु को दिया जा सकता है, लेकिन इसको 1 माह से कम आयु के शिशु को देने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इतनी कम आयु में शिशु का पाचन तंत्र सही तरह से विकसित नहीं हो पाता है और वह बेहद ही संवेदनशील होता है। शिशु का पेट खाली होने पर आप उसे ग्राइप वाटर न दें, क्योंकि ग्राइप वाटर में मौजूद अल्कलाइन क्षारीय सोडियम बाइकार्बोनेट से शिशु के पेट की संवेदनशील परत पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसको ड्रॉपर या किसी चम्मच की सहायता से शिशु को दिया जा सकता है। आमतौर पर शिशु को दिन में 1 बार ही ग्राइप वाटर दिया जाता है, लेकिन शिशु को ग्राइप वाटर देने की सही मात्रा डॉक्टर ही बताते हैं। वैसे तो ग्राइप बोतल पर शिशु को पिलाने की मात्रा बताई होती है, लेकिन अपने शिशु को ग्राइप वाटर पिलाने से पहले डॉक्टर ही से उसके बारे में अच्छे से पूरी जानकारी लें, फिर डॉक्टर से ही पूछकर बच्चों को पर्याप्त मात्रा में ग्राइप वाटर पिलाएं। क्या वाकई में यह बच्चों के लिए नुकसानदेह है? शुरुआत के दिनों में ग्राइप वाटर में अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बाद में इसके इंग्रेडिएंट में बदलाव होता गया। अब जो मार्केट में ग्राइप वाटर मिलते हैं, उनमें से ज्यादातर में सोडियम बाइकार्बोनेट और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बच्चों के पेट से गैस निकलने में मदद करता है। चूंकि दूध पीने के बाद बच्चों के पेट में गैस बनने के कारण उनको दर्द होता है, इसलिए गैस निकलने से उनको राहत मिलती है। जहाँ तक ग्राइप वाटर से नुकसान का सवाल है, तो अगर इसमें अल्कोहल या सुक्रोज मिला नहीं तो कोई नुकसान नहीं है। फिर भी बच्चों को ग्राइप वाटर देने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद बच्चों के लिए बेहतर ग्राइप वाटर के चुनाव के लिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसके इंग्रेडिएंट में अगर वनस्पति कार्बन यानी चारकोल मिला हो तो ग्राइप वाटर न लें, क्योंकि इससे कब्ज की शिकायत हो सकती है। सिर्फ उस ब्रांड्स को ही खरीदें जो अल्कोहल और सुक्रोज फ्री हो। यह आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। अगर न मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। हमारी इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारी ये कामना है कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे। धन्यवाद।